जिगर में अभी जबरदस्त मुकाबला रहा जिसमें फतेह हासिल किया यहाँ पर दो तीन अंकों से टीम सीकर ने। ये लीजिए दोस्तों, इस समय काफी शानदार मुकाबला आपके सामने होगा। एक तरफ सीम टीम है सीकर तो दूसरे तरफ है शार्दुल स्पोर्ट्स सुपर एट के ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। 67वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता इस समय खेली जा रही है डेगाना नागौर में। इस समय बिल्कुल मुकाबले का टॉस जीता है टीम शार्दुल स्पोर्ट्स ने, चॉइस किया है कोर्ट पहली रेड। इस समय देखने को मिलेगी टीम सीकर की तरफ से। बिल्कुल ये लीजिए, इस समय मुकाबला शुरू होता है पहली रेड। इस समय सीकर की तरफ से लोकेंद्र चले हैं 7 गड़ी में। इस समय बिल्कुल यहाँ पर दावा ठोका है, देखना होगा ऑफिशियल को प्रोवाइड किया है नहीं। बिल्कुल यहाँ पर सेफ रेड, सॉरी अंक मिला है यहाँ पर रेड सेफ। 1 पॉइंट टीम सीकर, अकाउंट ओपन हुआ इस समय टीम सीकर का। और अब पंकज शार्दुल स्पोर्ट्स की तरफ से 7 के डिफेंस में। बिल्कुल यहाँ पर पंकज को बाहर जाना होगा, शानदार डिफेंस यहाँ पर सीकर की तरफ से। रेड आउट 1 पॉइंट टीम सीकर, तो 2-0 इस समय। इस समय लोकेंद्र 5 के डिफेंस में, और यहाँ पर लोकेंद्र निकल चुके हैं। बिल्कुल यहाँ पर 2 अंक मिलेंगे, शानदार रेड यहाँ पर लोकेंद्र की। और इन 2 अंकों के सारे स्कोर बढ़कर सीकर 4 और उसके जवाब में शार्दुल स्पोर्ट्स 0। अभी एक बार पुनः इस समय मैया और राड पर। यहाँ पर गलती की है मोहित ने, बहुत एडवांस चले गए थे। यहाँ पर 1 अंक मिलता हुआ इस समय टीम है शार्दुल स्पोर्ट्स बीकानेर को। अकाउंट ओपन हुआ इस समय 4-1। लोकेंद्र एक बार पुनः इस समय 4 के डिफेंस में, और यहाँ पर है बिल्कुल इस बार लोकेंद्र को भी बाहर जाना होगा। शानदार डिफेंस यहाँ पर रेड आउट 1 पॉइंट टीम शार्दुल स्पोर्ट्स, तो 2-4। एक बार पुनः पंकज इस समय 5 के डिफेंस में। काफी शानदार मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के मध्य, और बिल्कुल यहां पर पंकज की सेफ रेड होगी। और एक बार पुनः इस समय हंसराज चले हैं 5 के डिफेंस में। हंसराज इस समय वॉक लाइन को पार किया रेड वेलिड की, काफी शानदार प्लेयर हैं हंसराज भी सीकर की तरफ से। बिल्कुल यहां पर सेफ रेड रही, और मैया एक बार पुनः 5 के डिफेंस में इस समय रेड पर। बिल्कुल यहां पर सेफ रेड, और राजेंद्र 5 के डिफेंस में। दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीतकर यहां पर सुपर एट में अपनी जगह पक्की करने के लिए मजबूत हैं, और ये दोनों टीमों के मध्य यहां पर अहम होगा मुकाबला अपना ग्रुप टॉप करने के लिए। इस समय पंकज 6 के डिफेंस में। यहां पर शानदार है राजबाग डेस, यहाँ पर रेड राउट 1 पॉइंट टीम सीकर, काफी शानदार यहाँ पर डेस देखने को मिला। लोकेंद्र एक बार पुनः इस समय 3 के डिफेंस में, सुपर टेकल इस समय ऑन रहेगा। बिल्कुल यहाँ पर शानदार टच, बिल्कुल यहाँ पर 1 अंक और मिलता हुआ टीम सीकर को। मैया इस समय 7 के डिफेंस में। बोनस का प्रयास जरूर किया है, लेकिन बोनस का साफ नियम है एक पैर बोनस लाइन के पीछे दूसरा हवा में होना चाहिए। बिल्कुल यहां पर सेफ रेड रही। लोकेंद्र एक बार पुनः 2 के डिफेंस में, सुपर डेगल अभी भी ऑन है।
तो अभी भाई हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज पे पहली बार विजिट है, लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस समय लोकेंद्र बिल्कुल यहाँ पर एक डिफेंडर सेल्फ आउट हो चुका है, तो यहाँ पर लगभग प्लेंटी कन्फर्म हो चुकी है शार्दुल स्पोर्ट्स को। बिल्कुल यहाँ पर शार्दुल स्पोर्ट्स को एक प्लेंटी लगती हुई पहले हाफ में, एक प्लेंटी के बाद इस समय पंकज चले हैं शार्दुल स्पोर्ट्स की तरफ से। काफी शानदार प्लेयर है पंकज, इस बार गलती की है यहाँ पर, एक अंक और मिलता हुआ यहाँ पर टीम शार्दुल स्पोर्ट्स को। लोकेंद्र इस समय और यहाँ पर लोकेंद्र का दबाव जाए, काफी शानदार डिफेंस यहाँ पर शार्दुल स्पोर्ट्स की तरफ से। रेड आउट वन पॉइंट टीम शार्दुल स्पोर्ट्स, काफी जबरदस्त है मुकाबला दोनों टीमों के मध्य। इस समय पांच के डिफेंस में पंकज, और बिल्कुल यहाँ पर पंकज की सेफ रेड होगी। सुरेश एक बार पुनः रेड पर, और यहाँ पर सुरेश निकल चुके हैं, शानदार रेड यहाँ पर सुरेश की, एक अंक और मिलता है इस समय टीम सीकर को। पंकज एक बार पुनः इस समय छह के डिफेंस में। सर जी स्कोर बताइए एक बार। बारह चार, बारह के मुकाबले चार है इस समय टीम शार्दुल स्पोर्ट्स, आठ अंकों की मजबूत बढ़त है यहाँ पर टीम सीकर के पास। बिल्कुल यहाँ पर बोनस अंक मिलता हुआ, और इस बोनस के सारे शार्दुल स्पोर्ट्स का स्कोर बढ़कर पांच और उसके बाद में बारह है टीम सीकर। सुरेश एक बार पुनः इस समय छह के डिफेंस में, बोनस सुरेश के लिए अवेलेबल रहेगा क्योंकि कोर्ट में इस समय छह का डिफेंस मौजूद है। और यहाँ पर बिल्कुल सुरेश को दबाचा है इस बार, काफी शानदार डिफेंस यहाँ पर, रेड आउट वन पॉइंट टीम शार्दुल स्पोर्ट्स, और इस अंक के सारे स्कोर बढ़कर शार्दुल स्पोर्ट्स छह उसके जवाब में बारह है टीम सीकर। मैया एक बार पुनः इस समय पांच का डिफेंस में रेड पर, बिल्कुल यहाँ पर सेफ रेड। हंसराज एक बार पुनः इस समय सात के डिफेंस में, और यहाँ पर शानदार था हॉल्ट, रेड आउट वन पॉइंट टीम शार्दुल स्पोर्ट्स, एक अंक और मिला यहाँ पर टीम शार्दुल स्पोर्ट्स को। और एक बार पुनः पंकज इस समय चार के डिफेंस में, और बिल्कुल यहाँ पर पंकज की सेफ रेड होगी। फर्स्ट हाफ फर्स्ट टाइम आउट टीम सीकर, इस समय अमित चले हैं सात के बीच में, इस समय अमित बिल्कुल यहाँ पर एक अंक बैठा हुआ टीम सीकर को, शानदार रेड यहाँ पर। तो तेरह के मुकाबले सात, छह अंकों का फासला इस समय बना हुआ है, और एक बार पंकज पुनः पांच के डिफेंस में रेड पर, बिल्कुल यहाँ पर पंकज की सेफ रेड। और एक बार पुनः इस समय लोकेंद्र चले हैं, अब तक के मुकाबले में लोकेंद्र ने तीन रेड डाली हैं जिनमें दो बार डिफेंस हो चुके हैं। इस बार लोकेंद्र छह के डिफेंस में, काफी अच्छा डिफेंस देखने को मिला है टीम शार्दुल स्पोर्ट्स के द्वारा। यहाँ पर बिल्कुल एक डिफेंडर सेल्फ आउट हो चुका है, एक अंक और मिलता है इस समय टीम सीकर को। पंकज एक बार पुनः इस समय छह के डिफेंस में, लड़की का अच्छा प्रयास पंकज द्वारा। बोनस का प्रयास जरूर किया यहाँ पर पंकज ने, बिल्कुल यहाँ पर बोनस अंक मिलता हुआ टीम शार्दुल स्पोर्ट्स को। लोकेंद्र एक बार पुनः पांच के डिफेंस में, आगे
और यहाँ पर दबोच है, शानदार डबल था यहाँ पर, रेड आउट 1.3 शादुल स्पोर्ट्स। इस समय ऑफिशियल टाइम आउट की मांग की गई है। ऑफिशियल टाइम आउट के बाद मुकाबला एक बार पुनः शुरू। मैया इस समय 5 के डिफेंस में शादुल स्पोर्ट्स की तरफ से रेड पर, 9 के मुकाबले 14, 5 अंकों की बढ़त में इस समय टीम सीकर। और बिल्कुल यहां पर शादुल स्पोर्ट्स की तरफ से सेफ रेड होगी। और एक बार पुनः इस समय सुरेश चले हैं रेड पर, 6 के डिफेंस में इस समय सुरेश, बोनस सुरेश के लिए अवेलेबल है इस समय, क्योंकि कोर्ट में 6 का डिफेंस इस समय मौजूद है। बोनस का अच्छा प्रयास यहां पर देखना होगा। बिल्कुल यहां पर बोनस अंक मिलता हुआ, इस बोनस के सारे स्कोर बढ़कर सीकर 15, उसके जवाब में 9 है टीम शादुल स्पोर्ट्स। अनिल एक बार पुनः इस समय शादुल स्पोर्ट्स की तरफ से 5 के डिफेंस में रेड पर, यहां पर एक शानदार बैक किक। बिल्कुल यहां पर 2 अंक मिलेंगे, जबरदस्त रेड यहां पर, काफी डीप गए और यहां पर काफी शानदार बैक किक के साथ अपनी टीम के लिए 2 अंक जीत किए। और इन 2 अंकों के सारे स्कोर बढ़कर शादुल स्पोर्ट्स 11, उसके जवाब में सीकर 15। सुरेश एक बार पुनः इस समय 7 के डिफेंस में, पावर पे शानदार टच यहां पर, लेकिन सेफ रेड रही, ऑफिशियल ने इस समय नकारा। इस समय 3 के डिफेंस में सुपर टैकल ऑन है पंकज रेड पर। यहां पर शानदार डबल थाई होल्ड, बिल्कुल अच्छी डाई लगाई है यहां पर, सुपर टैकल इस समय हो चुका है, काफी शानदार डिफेंस यहां पर, 2 अंक मिलते हुए इस समय सुपर टैकल, 2 पॉइंट मिले हैं यहाँ पर टीम सीकर को। सुरेश एक बार पुनः इस समय 6 के डिफेंस में रेड पर, हाफ टाइम से पहले का इस समय मुकाबला चल रहा है। इस समय सुरेश की बड़ी रेड होगी यहाँ पर, शायद 3 अंकों की रेड हो सकती है, सुपर रेड पड़ सकती है। बिल्कुल यहाँ पर 3 अंकों की सुपर रेड पड़ी है, शानदार रेड यहाँ पर सुरेश की, लाजवाब रेड यहाँ पर सुरेश द्वारा। 20 के मुकाबले 11 है इस समय, 9 अंकों के लीड में इस समय टीम सीकर। मैया इस समय 7 के डिफेंस में रेड पर, और बिल्कुल यहां पर सेव रेड, बोनस अंक मिलता हुआ इस समय सॉरी टीम शादुल स्पोर्ट्स को। इस बोनस के सारे 12 पर पहुंचे टीम शादुल स्पोर्ट्स, उसके जवाब में सीकर है 20, 8 अंकों का फासला। लोकेंद्र इस समय 3 के डिफेंस में सुपर टैकल ऑन, और बिल्कुल यहां पर सेफ रेड एक बार पुनः, और एक बार पुनः इस समय मैया रेड पर। यहां पर एक और बोनस अंक मिलता हुआ 17 के मुकाबले 20, लोकेंद्र एक बार पुनः इस समय 3 के डिफेंस में। और बिल्कुल यहां पर सीकर की तरफ से एक बार पुनः सेफ रेड, और एक बार पुनः मैया इस समय रेड पर। यहां पर एक और बोनस अंक मिलता हुआ 14-20 का स्कोर, मात्र 6 का फासला है यहां पर। लोकेंद्र एक बार पुनः 3 के डिफेंस में इस समय, और यहां पर लोकेंद्र को दबोच दिया, शानदार यहां पर सुपर टैकल, 2 अंक मिलते हुए इस समय टीम शादुल स्पोर्ट्स को। और इन 2 अंकों के सारे 16 पे पहुंची टीम शादुल स्पोर्ट्स, और उसके जवाब में सीकर 20, मात्र 4 अंकों का फासला मैया इस समय रेड पर। बिल्कुल यहां पर बोनस अंक मिलता हुआ शादुल स्पोर्ट्स को, एक बार पुनः इस समय 4 के डिफेंस में सुरेश इस समय रेड पर। यहां पर एक डिफेंडर सेल्फ आउट हो चुका है, और बिल्कुल यहां पर एक अंक मिलता हुआ, एक अंक और मिला इस समय टीम सीकर को। और अब पंकज रेड पर, 7 के डिफेंस में इस समय पंकज। यहां पर बिल्कुल 2 अंक मिलते हुए इस समय,
तो दो अंक और मिले यहाँ पर टीम साधु स्पोर्ट्स को। सुरेश एक बार पुनः रेड पर। यहाँ पर एक डिफेंडर सेल्फ आउट हो चुका है, बिल्कुल यहाँ पर एक अंक और मिलता हुआ टीम सीकर को। पंकज एक बार पुनः इस समय 6 के डिफेंस में रेड पर। हाफ टाइम का मुकाबला लगभग समाप्ति की ओर है। एक या दो रेड और देखने को मिल सकती है यहाँ पर शानदार रेड। यहाँ पर दो अंक और मिलते हुए टीम साधु स्पोर्ट्स को, और इस समय बिल्कुल हाफ टाइम भी हो चुका है। बिल्कुल हाफ टाइम के बाद मुकाबला एक बार पुनः शुरू होता हुआ, और इस समय पंकज चले हैं 4 के डिफेंस में। शानदार मुकाबला चलता हुआ, 22-21 का स्कोर है, और यहाँ पर रेडर सेल्फ आउट हो चुका है। बिल्कुल एक अंक और मिलता है यहाँ पर टीम सीकर को। बिल्कुल अब तक के मुकाबले में साधुल स्पोर्ट्स ने काफी अंक सेल्फ आउट के रूप में दिए हैं टीम सीकर को। और अब लॉ केंद्र 5 के डिफेंस में, लॉ केंद्र प्रहलाद, और यहां पर प्रहलाद की सेफ रेड। और आज प्रहलाद कुछ खास नहीं कर पाए हैं, लगभग 4 कैच खा चुके हैं अब तक के मुकाबले में। इस समय 5 के डिफेंस में यहाँ पर शानदार डिफेंस हुआ है लोकेंद्र द्वारा। इस बार डिफेंस में कमाल दिखाया लोकेंद्र ने, एक अंक और मिलता हुआ इस समय टीम सीकर को। तो इस समय 3 अंकों की लीड में टीम सीकर। हेलो, हाँ नागौर का नहीं हुआ अभी, नहीं अभी नहीं हुआ, लाइव नहीं होगा भाई, नेटवर्क कमजोर है। इस समय लोकेंद्र 4 के डिफेंस में लगातार प्रयास करते हुए, बिल्कुल यहाँ पर सेफ रेड रही। और एक बार पुनः इस समय साधुल स्पोर्ट्स की तरफ से 7 नंबर जर्सी में रेड, 6 के डिफेंस में। बिल्कुल यहाँ पर एक अंक और मिलता हो इसमें 5 के डिफेंस में सुरेश। और यहाँ पर सुरेश को दबोच लिया, काफी शानदार डिफेंस यहाँ पर रेड आउट वन पॉइंट टीम साधु स्पोर्ट्स। तो 23-24 का स्कोर, मात्र एक अंक की लीड में इस समय टीम सीकर। पंकज एक बार पुनः इस समय 4 के डिफेंस में रेड पर। और बिल्कुल यहाँ पर सेफ रेड रही आयुष एक बार पुनः इस समय 6 के डिफेंस में रेड पर। और यहाँ पर शानदार कवर टच, यहाँ पर एक अंक और मिलता हुआ इस समय टीम सीकर को, शानदार रेड यहाँ पर। तो वापस इस समय 2 अंकों का फासला, 24-26 का स्कोर है इसी में, 25-23 का स्कोर है। 2 अंकों की लीड में टीम सीकर। पंकज एक बार पुनः इस समय 5 के डिफेंस में। काफी अंदर जाने का प्रयास किया यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर सेफ रेड आयुष एक बार पुनः इस समय 5 के डिफेंस में। यहाँ पर सेफ रेड और एक बार पुनः इस समय साधु स्पोर्ट्स का रेडर 7 नंबर जर्सी में। और यहाँ पर शानदार डाई का, काफी शानदार डिफेंस यहाँ पर रेड आउट वन पॉइंट टीम सी का। तो 3 अंकों का फासला इस समय, 23-26 का स्कोर। लोकेंद्र एक बार पुनः इस समय 4 के डिफेंस में। और यहां पर लोकेंद्र की सेफ रेड होगी। पंकज एक बार पुनः इस समय 6 के डिफेंस में रेड पर।
समय शानदार डिफेंस रन आउट 1.3 सीकर काफी शानदार डिफेंस यहाँ पर एक बार पुनः मोहित द्वारा। टाइम आउट के बाद इस समय अमित तीन के डिफेंस में, बिल्कुल टाइम आउट के बाद अमित इस समय तीन के डिफेंस में। शुभ पटेल इस समय ऑन रहेगा, चार अंकों की लीड में इस समय टीम सीकर 23 के मुकाबले 27। अमित सब्स्टिट्यूट होके आए थे, काफी शानदार प्लेयर और काफी अच्छा प्रदर्शन भी दिखाया है, अपनी टीम के लिए अहम अंक बटोरे हैं इस रेडर ने। बिल्कुल यहाँ पर सेफ रेड रही अमित की और एक बार इस समय सुरजीत सात के डिफेंस। यहाँ पर सुरेश गलती कर बैठे हैं, बहुत एडवांस चले गए थे यहाँ पर सुरेश, एक अंक और मिलता हुआ इस समय टीम साधुल स्पोर्ट्स को 24 के मुकाबले 27, मात्र तीन अंकों का फासला। लोकेंद्र इस समय चार के डिफेंस में रेड पर। और बिल्कुल यहाँ पर लोकेंद्र की सेफ रेड और एक बार पुनः इस समय मैया रेड पर, छह के डिफेंस में इस समय मैया। बिल्कुल यहाँ पर बोनस अंक मिलता हुआ तो 25-27, मात्र दो अंकों का फासला। अमित इस समय चार के डिफेंस में रेड पर। यहाँ पर अमित की सेफ रेड होगी और मैया एक बार पुनः इस समय दो के डिफेंस में रेड पर। और बिल्कुल यहाँ पर सेफ रेड मोहित इस समय चार के डिफेंस में। और बिल्कुल यहाँ पर मोहित की सेफ रेड एक बार पुनः छह के डिफेंस में इस समय मैया, मात्र दो अंकों का फासला इस समय। यहाँ पर एक और गलती, एक अंक और मिलता है यहाँ पर 26-27, मात्र एक अंक की लीड में इस समय टीम सीकर। लोकेंद्र इस समय पांच के डिफेंस में रेड पर। लकी का अच्छा प्रयास यहाँ पर। और यहाँ पर टच का दावा ठोका है, बिल्कुल यहाँ पर सेफ रेड इसमें पांच के डिफेंस में मैया। यहाँ पर फिर से सेफ रेड लोकेंद्र एक बार पुनः पांच के डिफेंस में, मात्र एक अंक की लीड इस समय टीम सीकर के पास। और सेकंड हाफ का लगभग आधा मुकाबला समाप्त हो चुका है। और यहां पर लोकेंद्र निकल चुके हैं, शानदार है यहां पर। बिल्कुल एक अंक मिला है यहां पर तो दो अंकों की लीड में इस समय टीम सीकर 28-26 मैया इस समय छह के डिफेंस में। और यहां पर दबोच लिया, शानदार डिफेंस यहां पर रन आउट 1.3 सीकर, काफी शानदार डिफेंस यहां पर और अहम अंक अर्जित किया यहां पर टीम सीकर ने इस समय। लोकेंद्र तीन के डिफेंस में, सुपर टैकल इस समय ऑन रहेगा और यहां पर शानदार जंप के साथ है, लेकिन बाहर जाना होगा यहां पर। दोनों तरफ एक एक अंक मिलेंगे यहां पर, 2-1 सॉरी सर 2-1 सुपर टैकल है, सुपर टैकल 28-30 का स्कोर है इस समय टीम सीकर के पास, दो अंकों के लीड इस समय साधुल स्पोर्ट्स का रेड। और बिल्कुल यहां पर साधुल स्पोर्ट्स की तरफ से सेफ रेड रही, एक कड़ी को नहीं तोड़ पा रही है टीम सीकर। यहां पर बिल्कुल एक अंक और मिलता हुआ सुरेश को, शानदार रेड यहां पर सुरेश की तो तीन अंकों की लीड में इस समय टीम सीकर 28 के मुकाबले 31। एक बार पुनः साधुल स्पोर्ट्स का राडर सात के डिफेंस में। बॉलिंग
बिल्कुल यहाँ पर अनिल के सेफ रेड होगी और अब दो के डिफेंस में लोकेंद्र बिल्कुल यहाँ पर एक अंक और मिलता हुआ तीन सीकर को शानदार रेड यहाँ पर लोकेंद्र जी 28 के मुकाबले 32 चार अंकों का फासला इस समय और मुकेश इस समय रेड पर पांच मिनट का समय यहाँ से शेष बचा है यहाँ पर मोहित का शानदार डिफेंस 1+2 तीन अंक मिलते हुए इस समय टीम सीकर को शानदार डिफेंस यहाँ पर तो इस समय 7 अंकों की लीड में टीम सीकर 4.5 मिनट बचे हैं और इस समय लोकेंद्र 7 अंकों की लीड में इस समय टीम सीकर 28 के मुकाबले 35 और यहाँ पर लोकेंद्र शानदार डिफेंस यहाँ पर रेड आउट 1 पॉइंट टीम शादुल स्पोर्ट्स सीकर 29 के मुकाबले 35 पंकज एक बार पुनः इस समय 6 के डिफेंस में रेड पर बिल्कुल यहाँ पर बोनस अंक मिलता हुआ तो 30 के मुकाबले 35 मात्र 5 अंकों की लीड में इस समय सुरेश इस समय 7 के डिफेंस में रेड पर और यहाँ पर सुरेश को दबोच लिया है शानदार डिफेंस यहाँ पर रेड आउट 1 पॉइंट टीम शादुल स्पोर्ट्स इस समय टाइम आउट टीम शादुल स्पोर्ट्स टाइम आउट के बाद मुकाबला पुनः शुरू पंकज इस समय 5 के डिफेंस में रेड पर यहाँ पर देखना होगा 2 अंक मिले हैं शानदार रेड यहाँ पर तो मात्र 3 अंकों का फासला इस समय 7 के डिफेंस में विकास चले हैं रेड पर बिल्कुल यहाँ पर सेफ रेड इस समय पंकज 3 के डिफेंस में सुपर डेगली समय ऑन रहेगा 3 मिनट का समय शेष है और यहाँ पर 2 अंक मिलते हुए यहाँ पर शानदार रेड यहाँ पर मात्र 1 अंक का फासला दो अंक मिले यहाँ पर टीम सीकर को पंकज जी समय और यहाँ पर बिल्कुल 1 अंक मिलता हुआ 1 अंक और मिला यहाँ पर टीम साधु स्पोर्ट्स को 7 के डिफेंस में इस समय लोकेंद्र लोकेंद्र इस समय 7 के डिफेंस में और यहाँ पर लोकेंद्र निकल चुके हैं बिल्कुल 1 अंक और मिलता हुआ इस पर टीम सीकर को तो 36 के मुकाबले 38 और एक टाइम आउट के बाद मुकाबला पुनः शुरू पंकज इस समय 2 के डिफेंस में रेड पर 2 अंकों की लीड में अभी भी टीम सीकर और यहां पर बिल्कुल सीरियस दे चुके हैं 37-38 लोकेंद्र एक बार पुनः इस समय 7 के डिफेंस में रेड पर यहाँ पर लोकेंद्र निकल चुके हैं यहाँ पर 3 अंक मिलेंगे सुपर रेड यहाँ पर तो 4 अंकों की लीड में इस समय टीम सीकर पंकज इस समय 3 के डिफेंस में रेड पर यहाँ पर 1 अंक और मिलता हुआ
टीम सादुल स्पोर्ट्स को। लोकेंद्र एक बार पुनः इस समय रेड पर, 3 अंकों के लिए 250 टीम सीकर के पास। और बिल्कुल यहाँ पर लोकेंद्र की सेफ रेड, एक बार पुनः इस समय 2 के डिफेंस में पंकज, यहाँ पर एक और अंक मिलता हुआ तो 2 अंकों की लीड में इस समय टीम सीकर। लोकेंद्र एक बार पुनः इस समय 7 के डिफेंस रेड पर, काफी जबरदस्त मुकाबला भाई। ये शायद मुकाबले की लास्ट रेड हो सकती है, इस समय बोनस का प्रयास। और बिल्कुल ये मुकाबला यहाँ पे समाप्त हो चुका है, ये मुकाबला जीता यहाँ पर टीम सीकर ने। जबरदस्त मुकाबला रहा जिसमें फतेह हासिल किया यहाँ पर 2-3 अंकों से टीम सीकर ने।